हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो आज मैं एक अपनी स्टूडेंट के साथ आई हूँ जिसका निफ दिल्ली हुआ है और मैं बहुत प्राउड हूँ क्योंकि उसने सिर्फ निफ दिल्ली में एडमिशन नहीं हुआ था, उसको बहुत सारे जगह में एडमिशन हुआ था और हर जगह जहाँ पर भी एग्जाम दिया वहां पर उसको बहुत अच्छा रैंक आया है। एंड फाइनली शी वेंट टू निफ दिल्ली एंड मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ गीतांजलि दे। एंड गीतांजलि, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड हाउ डिड यू गेट इन निफ। Hi guys, I'm Gitanjali. मेरा knitwear design हुआ है NIFT Delhi में। I got to know about key art and design through a friend of mine. My experience was very good with her. The ambience is very nice. The teachers are very friendly. They're really easy to talk to. They're very understanding and they push me towards my goal. मैं बहुत lazy थी, but mom मेरे पीछे पड़ी हुई थी and she never gave up on me, which is why I was able to land NIFT Delhi. मेरे बहुत सारे colleges हो गए थे. Like NIFT UID WUD DTU NSUT, you sit in my rank 193 I think, and Jamia also I got painting rank 5 in. I've learned a lot here over the summer vacation. She called me every day. There was an internship where we had to make paintings for subversion hospital, and through that I improved my acrylic painting skills. It was a great opportunity for me. There were also online classes for theory. I used to draw mostly anime and stuff, but they really made me understand बस anime से नहीं होगा and I learned a lot of new things. So मैं गीतांजलि से actually मैं एक साल से बात कर रही हूँ और काम करवा रही हूँ. गीतांजलि is actually a very lazy girl, but एक चीज मुझे गीतांजलि की बहुत अच्छी लगी थी कि गीतांजलि बहुत ज्यादा निटिंग करती. मैं हैरान थी, एक दिन वो मुझे बैग लेके आ रही और पूरा क्रोशियाई करके, तो मुझे ऐसा लगा कि आजकल भी कोई क्रोशियाई कर सकता है और इतना अच्छा बैग बना सकता है. तो जब फाइनली जब निफ्ट में उसका रैंक आया तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा एनिमेशन से बेटर आपका निटवेयर है और निटवेयर डिजाइन करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा निटिंग करती है. तो गीतांजलि, जो निटवेयर डिजाइन में आप गए हो, तो आपका क्या वो एक्सपीरियंस अभी तक क्या हुआ है जब आप कॉलेज में गए हो? तो ओरिएंटेशन 3 दिनों का था एंड इट वॉज रियली फन. उन्होंने हमें ग्रुप्स में सेपरेट कर दिए थे, बट ग्रुप्स वर मिक्स्ड कोर्सेज के बच्चे थे. ईच ग्रुप में वी वर एबल टू मीट दूसरे कोर्सेज के पीपल एंड अंडरस्टैंड देम एंड मेक न्यू फ्रेंड्स. देन दे इंट्रोड्यूस्ड अस टू ऑल द फैकल्टी. दे हैड मेनी एक्टिविटीज फॉर अस प्रिपेयर्ड. फॉर अस दे हैड कैंपस टूर ऑन द फर्स्ट डे, विच वॉज वेरी फन. इट वॉज रियली टायरिंग क्योंकि बहुत धूप थी उस दिन, बट वी वर एबल टू हैंग आउट विद मेनी पीपल एंड पूरे कैंपस हम घूमे थे एंड सीनियर से भी हमने इंटरेक्ट करा था. ऑन द सेकेंड डे दे टुक अस टू द किरण आदर म्यूजियम इन साकेत. इट वॉज रियली नाइस. देर वॉज ऑल्सो अ वर्कशॉप, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, चारकोल वर्कशॉप था. इट वॉज रियली नाइस एंड वी लर्न अ न्यू मीडियम एंड पिकासो के आर्ट फॉर्म को हमने रेप्लिकेट करा था. ऑन द थर्ड डे वी हैड अ टैलेंट शो. हमारे बैचमेट्स ने परफॉर्म करा था. दे डांस्ड एंड सैंग एंड स्टफ एंड वी ऑल्सो हैड सम गेम्स जो हमारे सीनियर्स ने प्रिपेयर करे थे. इट वॉज रियली नाइस. सो देन दिस वीक वी हैड क्लासेस. वी हैड सेल्फ एंड सोसाइटी एंड ड्रॉइंग क्लासेस ऑन द फर्स्ट डे. हमारे क्लास में इट्स अ 43 पीपल, बट सारे बैचेस से मिक्सड है, लाइक निटवेयर, एफ डी, एवरीथिंग. सो अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है वीक. It's fine, it's fun. There's also like events. Handloom week tha this week. We had to wear handloom clothes and we also had a best dress competition which I didn't win, but it was really nice dressing up for it. And hamara fashion basics ka class hai jisme we have to dress up according to a theme every Friday. It is really fun. Okay, I think you are having fun in NIFT Delhi and actually मैं मुझे लगता है आगे भी चल के तुम्हारे को बहुत fun मिलेगा और बहुत आगे तुम पढ़ाई भी करोगे. मेरे पास सिर्फ एक यही है कि जो laziness को हटा के थोड़ा और hard work करना so that आपकी CGPA अच्छे रहे और आप FIT जा सको, जो आपको थर्ड ईयर में ऑफर मिल सकता है वो उसका एम जरूर करना. एंड उसके अलावा थोड़ा सा और मन लगा के पढ़ाई करना, थोड़ा ड्रॉइंग में भी इम्प्रूव करना. सो यही तुम्हारे लिए एक एडवाइस है. एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल टू आवर स्टूडेंट्स? ओनली बिकॉज ऑफ पारमिता मैम आई वाज एबल टू बैग NIFT Delhi. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज हियर, लाइक एन एंटायर लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. And ma'am will really push you to your goals and streamline your thoughts. Even after I got NIFT Delhi, she still called me to her classes to improve my skills so I can cope up with college. She taught me Photoshop, photography and everything. She also helped me learn new mediums such as poster color, watercolor, etc.
सो प्लीज डू ज्वाइन हर क्लासेस, इट विल बी रियली हेल्पफुल. सो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट जो हैं और न्यू आए हैं इस चैनल में. सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया डू सब्सक्राइब अस. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय फॉर टुडे.